हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फ्यूल फीड सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम कि जो फ्यूल को कंबस्टन चेंबर या फिर सिलेंडर तक पहुंचाता है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं फ्यूल फीड सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम के दो प्रकार हैं, एक है ग्रेविटी फीड सिस्टम और दूसरा है प्रेशर फीड सिस्टम। अब नाम से ही पता चलता है ग्रेविटी फीड सिस्टम में क्या होगा, तो जो ग्रेविटी के कारण जो फ्यूल है वो कंबसन चैम्बर तक जाएगा। और दूसरा है प्रेशर फीड सिस्टम। अब प्रेशर फीड सिस्टम में क्या होता है, तो एक पंप के जरिए जो फ्यूल है वो इंजेक्ट किया जाता है कंबसन चैम्बर में। ठीक, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं प्रेशर फीड सिस्टम। अब यहाँ पे जो ग्रेविटी फीड सिस्टम है वो छोटे व्हीकल के लिए यूज़ होता है, जैसे बाइक है, स्कूटर है। और जो प्रेशर फीड सिस्टम है वो मल्टी सिलेंडर इंजन यानी जो बड़े व्हीकल्स होते हैं जैसे कि बस, कार और ट्रक जैसे के लिए यूज़ होता है। जब हम ग्रेविटी फीड सिस्टम की बात करते हैं तो हमने ये सब देखा ही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये फ्यूल की टंकी है आपकी जिसमें फ्यूल हम भराते हैं। ठीक है, ये ऊपर फ्यूल टैंक कैप है जिससे हम उसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे एक ब्रीदर है। ब्रीदर किस लिए है कि जो छोटा सा ही होता है बारीक, ये क्या होता है कि जब आपका फ्यूल नीचे जाता है तो टंकी में जगह बनती है। ठीक है, उस जगह को भरने के लिए यहाँ पे एक ब्रीदर दिया होता है जो बाहर की एयर को अंदर लेता है, जिसके कारण ये जो फ्यूल है वो नीचे जाएगा। अगर ये पूरा सील होगा तो ये फ्यूल नीचे नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ ब्रीदर दिया हुआ होता है। यहाँ पे स्ट्रेनर है, ये दोनों जो क्या करते हैं, तो जो फ्यूल में अगर कचरा होगा तो उसको छान देंगे। ठीक है, क्लीन कर देंगे। फिर यहाँ पे रिजर्व फ्यूल सप्लाई है ये वाला, और ये है अपना मेन फ्यूल सप्लाई। और ये जो फ्यूल है वो कहाँ जाएगा, टू कंबस्टन चैम्बर। ठीक है, यहाँ पे है वाल्व। अब ये सिंपल सी अरेंजमेंट है, ग्रेविटी के कारण ये जो फ्यूल है वो नीचे की तरफ जाएगा और ये नीचे कंबस्टन चैम्बर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे वाल्व आता है। अब वाल्व में तीन पोजीशन होती है। एक पोजीशन है फ्यूल, आपको पता है कि जहाँ से ये जो फ्यूल है ये वाला, ये मेन लाइन में जो फ्यूल है वो डायरेक्ट कंबस्टन चैम्बर तक जाएगा। फिर वाल्व की दूसरी पोजीशन होती है क्लोज्ड। जब आप उसको क्लोज्ड कर देते हैं तो इस लाइन में से भी कोई फ्यूल नहीं जाता और इस लाइन में से भी कोई फ्यूल नहीं जाता। पर जब आप रिजर्व कर देते हैं उसको, तो ये जो मेन फ्यूल सप्लाई है वो वैसे भी बंद हो गया है और यहाँ से रिजर्व में से फ्यूल जाएगा। अब कैसे, देखिए, अब ये थोड़ा लाइन ऊपर है यानी यहाँ तक अगर फ्यूल है तो वो मेन फ्यूल सप्लाई में से ही काम करेगा, यानी जो आपका वाल्व है वो फ्यूल पे रहेगा तो काम करेगा। ठीक है, अब समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर फ्यूल यहाँ तक आ जाता है तो आपने अगर वाल्व को फ्यूल पर रखा है तब भी आपका इंजन काम नहीं करेगा क्योंकि उसको फ्यूल ही नहीं मिल रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो वाल्व को आपको रिजर्व कंडीशन में डालना पड़ेगा जिसके कारण ये जो फ्यूल है वो इस लाइन से आपके इंजन में जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी है कि अगर फ्यूल है तो वो मेन लाइन फ्यूल सप्लाई में से जाएगा और अगर आपका रिजर्व में है तो आपका रिजर्व फ्यूल सप्लाई में से जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका रिजर्व रखे हैं आप तो आपका इंजन तो चलता ही रहेगा, पर आपको ये पता नहीं चलेगा कि मेरी टंकी में कितना पेट्रोल है या फिर कितना फ्यूल है। इसलिए वहाँ पे रिजर्व का दिया हुआ होता है कि अपने को पता चले कि अपने थोड़ा ही फ्यूल अभी बाकी है। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।